नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सुनील, आप देख रहे हो बाढ़ ने सब कुछ नष्ट कर दिया। मध्य प्रदेश की सिन्ध नदी में इतनी भयंकर बाढ़ आई है, 1970 में आई थी, उसके बाद उससे भी खतरनाक ये बाढ़ है। दोनों पुल टूट गए हैं, खासकर शिवपुरी जिले के नरवर वाला जो एरिया है उसमें भयंकर बाढ़ आई है। पूरी किसानों की फसल बह गई, किसानों की जानवर बह गए, ट्रैक्टर बह गए, और दोस्तों बहुत से लोग फंसे हुए थे, उनको निकाला गया। मतलब बहुत ही विकट स्थिति थी। पूरी जो वीडियो है, पूरी जितनी वीडियो मैं सारी आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, पूरी क्लिप इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो आई थिंक मैं ये नहीं बोल सकता कि आप इन्जॉय करोगे, लेकिन टफ टाइम है। अब देखिए कि प्रकृति कितनी भयंकर रूप ले सकती है। कभी उम्मीद नहीं की थी जहाँ सूखा पड़ता है, जहाँ बारिश नहीं होती सालों सालों तक, वहाँ इतनी विकट स्थिति हो सकती है। पूरे वीडियो जो है वो इसी में सारी सारी क्लिपें हैं। दोस्तों ये वो वाला पार्ट है जो जवाहर नवोदय से लगा हुआ है, आप देख सकते हो ये जवाहर नवोदय की बाउंड्री है, और यहाँ तक पानी आ चुका है बिल्कुल। ये जो उसके सामने का रोड है, जवाहर नवोदय विद्यालय पनगटा, उसके सामने का रोड, वहाँ तक पानी आ चुका है। इतनी विकट स्थिति आज तक नहीं बनी है, देख रहे हो आप कितना भयंकर पानी है। और अभी टूट फूट जो हुई है उसका नेक्स्ट वीडियो जब आएगा उसमें बताते हैं, क्योंकि पानी चल रहा है। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें पानी कम होगा और फिर समझ में आएगा कि कितना टूट फूट हुई है। तो आप देख सकते हो ये वाला एरिया पूरा, ये पेड़ जो है, जो यहाँ पड़े बड़े यहीं बड़े बड़े हुए हैं इसी जगह पे। ये देख सकते हो आप, जवाहर नवोदय विद्यालय में जब पानी का थोड़ा सा कम हुआ तो पनगटा से रेस्क्यू करते हुए वहाँ के जो टीचर्स थे उनको बचाया गया, और भी जो ग्रामवासी थे पनगटा के, क्योंकि वो सब फंस गए थे, और उनको जो NDRF की टीम है, साथ में जो वहाँ के जो लोकल के लोग हैं, और साथ में वहाँ के जो शिक्षक हैं, मगरौनी के शिक्षकों ने खासकर इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया है। उन्होंने रेस्क्यू किया, घर पे ले गए उनको, स्पेशली उनके लिए जनरेटर चालू करवाया, और जो गाँव वाले थे मायारामपुरा के, खासकर मगरौनी के पास गाँव मायारामपुरा के, वहाँ के जो लोग हैं उन्होंने बड़ी ही मदद करी है। और आप देख सकते हो किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, और ये जो ग्रामवासी हैं उनको वहाँ से बाहर निकाला जा रहा है। बड़ी हिम्मत वाला काम है और बड़ा ही अच्छा ये जो कार्य है वो है, इसलिए जहाँ हो सके सबकी मदद करिएगा, क्योंकि कभी आपको भी मदद की आवश्यकता पड़ सकती है। इसके बाद में जो वीडियो है आप देख सकते हो, नदी कम हुई उसके बाद की ये वीडियो है, बिल्कुल ये देखिए क्या स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर इतने बड़े बड़े खंडे होने चाहिए कि रोड का पता ही नहीं है, पर छोड़ गए हैं रोड के। तो ये देखिए नवोदय विद्यालय, ये उसकी बाउंड्री दिख रही है आपको, और भयंकर भयंकर खतरनाक नज़ारा है साथियों। यहाँ पर रोड इतनी मजबूत बनी हुई थी, बहुत मजबूत। एक्चुअली ये जो पुल बने हैं ना, ये इनके जो स्ट्रक्चर बचे हुए हैं, ये वो स्ट्रक्चर बचे हैं जो शेरशाह सूरी के टाइम के हैं। शेरशाह सूरी ने ये मणिकेरा डैम के जो नीचे पुल बना है वो, और नरवर का पुल ये शेरशाह सूरी ने ही बनवाया था, तो उसी के टाइम के जो पुल बने हैं उनके स्ट्रक्चर बचे हुए हैं। बाकी उसके बाद में जितना कंस्ट्रक्शन हुआ है सब टूट गया है, देख सकते हो। रोड का पता, रोड का तो डम्बर के छोटे टोले दिख रहे हैं मात्र, इसके अलावा रोड का कोई पता नहीं है। इसके अलावा जो नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें ये देखिए, ये यहाँ तक पुल टूट चुका है, नदी चल रही है। ये जो नरवर से के साइड वाला जो एरिया है वो हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। नरवर के साइड का जो एरिया है वो आप देख रहे हो, और ये पूरा टूट चुका है। ये देखिए कितने बड़ा खांदी खुल चुकी है, बन चुकी है, और उसकी नदी अभी चालू है। ये जो आप एरिया देख रहे हो, ये रेलिंग जो दिख रही है ये टूट के उधर जाके गिरी है, बहुत दूर जाके दिख रही है आपको रेलिंग। और ये जो पार्ट है, यहाँ पर लोग बैठते थे, लेकिन अब इसके पीछे का देखिए पूरा खतरनाक। जवाहर नवोदय विद्यालय के ये पास वाला है, अंदर का है ये नवोदय विद्यालय के अंदर, जो उस साइड में जो बिल्डिंग बनी है जहाँ पर क्लासेस लगती थी, वहाँ का एरिया है ये, और पूरा खाक हो चुका है। और जो अभी नेक्स्ट वीडियो आप देख सकते हो, वही पुल वाली जो ये दूसरी तरफ की वीडियो है, यहाँ पर रोड का तो नाम निशान बचा ही नहीं है, जीरो रोड हो चुका है, कहीं मतलब आवागमन ठप है, और बहुत ही विकट स्थिति बन चुकी है यहाँ भी। ये देखिए वही नवोदय विद्यालय की जो पीछे वाली जो बिल्डिंग है उसका वीडियो है। हमारे जो गृहवासी वहाँ गए हैं, उन्होंने वीडियो बनाई है, बड़ा ही दुखद ये स्थान है। यहाँ पर आप सोच सकते हो यहाँ स्थिति विकट स्थिति है, तो गांव में किसानों की फसल क्या होगा, हम आपको खेत बता भी नहीं सकते, क्योंकि खेत बचे ही नहीं है। जहाँ खेत थे वहाँ पूरी बजरी बजरी भर चुकी है। भाइयों की मदद से लोगों को इन्होंने आगे धन्यवाद पवन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लोगों ने मदद की और हम भी पंद्रह लोगों को निकाल रहे हैं।
ये आप देख रहे हो, ये पीछे वाला एरिया जहाँ से मतलब लोग गुजरते थे, बड़े ही खुशहाल ज़िंदगी जीते थे, वहाँ पर आज सन्नाटा छा गया। अब देख सकते हो कितनी भयंकर भयंकर स्थिति बन चुकी है। ये देखिएगा, ये नीचे का एरिया है, लोग वहाँ खड़े हैं, कितनी रोड नीचे तक खुद चुकी है, खाक हो चुका है सब कुछ। तो ये भयंकर सिंध नदी का रूप आपने कभी नहीं देखा। सी एस सी हैं मकरोनी में, तो उनके घर पर टीचर्स नवोदय के उनको लाया गया है और उनके लिए खाना की व्यवस्था कराई गई है। ये हमारे टिंकू कुशवाहा हैं, ये आनंद कुशवाहा जो पुड़ी निकाल रहे हैं और जो पुड़ी बेल रहे थे वो सालवी अनिल सर हैं, अनिल यादव सर जो मकरोनी में ही पोस्टिंग है उनके आरसी में, तो ये उनके द्वारा बनाया गया है। ये उन दामोदर सर की माता जी भी पीछे खड़ी हैं, आप देख सकते हो, तो बड़ा ही अच्छा काम किया गया है उनके द्वारा। और ये एक और वीडियो जिसमें दिखाया गया है, ये जो पुल दिख रहा है ना, उसके ऊपर से जा रही थी सिंध नदी, सॉरी मकान दिख रहा है, ये इसके ऊपर से सिंध नदी आ रही थी, देख सकते हो। मेरे ऊपर बहुत अटकलें कर रहे हैं ये, क्योंकि स्कूल से रिलीव हो गया और जा नहीं पाया, रोड टूट गया, इससे बहुत मेरे ऊपर ताने कस रहे हैं कि जाओ हम। ये देखिए कितनी गहरी है। आज 3 अगस्त 2021 को जिले के नरवर मधुबनी के बीच स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय बनगटा में जो है बाढ़ की स्थिति है, पूरा बनगटा बाढ़ में डूबा हुआ है। इन लोगों की धीरे धीरे करके ग्रामीणों की मदद से प्रशासन के बाहर निकाला जा रहा है और मेरा सभी शिक्षा विभाग के शिक्षक साथियों से अनुरोध है, जितनी हो सके लोगों की मदद करें, प्रशासन को अपनी तरफ से लगाए, हम लोग भी अपनी तरफ से प्रयास करें और धीरे धीरे लोगों को उनको जो है उनके कपड़े दें, भोजन पानी की व्यवस्थाएं करें। आज लगभग 10 से 15 गाँव बाढ़ हुए और उसी तरह से भरा हुआ है। नवोदय विद्यालय का घर से ग्राउंड है, आप देख रहे होंगे पानी भरे हुए हैं। हमारे जीतेश पाठक जी, जयप्रकाश पाठक जी, विनोद पाठक जी और हम सब लोग शिक्षा विभाग के शिक्षक लोगों की मदद में लगे हुए हैं, ग्रामीणों की मदद से लोगों को बाहर निकालने का तो साथियों आपने ये मंजर देखा, मुझे नहीं लगता कि आप ये मंजर दोबारा कभी देख पाओगे, क्योंकि मुझे लगता नहीं है कि ऐसी भयानक स्थिति कभी दोबारा बनेगी, मैं चाहता भी नहीं हूँ बने, लेकिन प्रकृति किसी के बस में नहीं है। तो जितना हो सके मदद करिएगा, अगर आप सब लोग या हम सब लोग एक दूसरे की मदद करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, मतलब उनका बहुत हद तक तो काम हम ही लोग निपटा लेंगे। तो ऐसा ना हो कि आप गवर्नमेंट के फेवर में या उसके इंतजार में बैठे रहो, जितना हो सके मदद करिएगा। बाकी गवर्नमेंट जितना हो सकता है गवर्नमेंट भी कर ही रही है, NDRF की टीम लगी है और हमारे जो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान वो भी टाइम टू टाइम अपडेटेड हैं और उनकी फेसबुक पर अभी आती रहती है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। गुड डे, टेक केयर।